हेलो दोस्तों, रावण की मृत्यु के समय भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण के पास ज्ञान प्राप्त करने भेजा था। राम जानते थे कि रावण उस समय विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था। तो जानते हैं उन तीन बातों को जो रावण ने लक्ष्मण को अपनी मृत्यु के समय बताई। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वो ये थी कि शुभ कार्य जितना जल्दी हो उतना कर लेना चाहिए और अशुभ जितना टाल सको उतना टाल देना चाहिए। यानी शुभ से शीघ्रम, मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में मैंने देरी कर दी, इसी कारण मेरी ये हालत हुई। दूसरी बात रावण ने यह बताई कि अपने प्रतिद्वंद्वी को, अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर गया, मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध ना कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात यह बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहाँ भी मैं चूक गया क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी।